दोनों का रिश्ता तुड़वाने आया हूँ, मतलब मैं तुम्हें सेट कर लूंगा ऐसा वो कह रहा है ये। अरे जल्दी करो भाई। ठीक है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है हैशटैग देखना, स्टार ईशा या ईशु विशु। अब ईशा ने बोला ना बाहर कर, मैं जब से बोलूं नहीं, ईशा ने एक बार कहा। अरे इसी बारे में बात आती है, ईशा तो अच्छी है, ईशा लड़की अच्छी है, बट ये मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं कर सकती। वो चल रहा है हमारे बस में से, क्या नहीं कर सकता। हम तो तुम्हें खुला बोल रहे थे, धीरे से हम रातों में बातें करते हैं। सुबह सुबह लड़ाई छिड़ गई बहुत गंदी, इधर से ये लड़ रहा है उधर से वो लड़ रही है, एक ने बंदे को मतलब इसने उसको इलिटरेट बोल दिया, वो कह रही है मैं लिटरेट हूँ, पता नहीं भैया क्या चल रहा है। चलो अब कंटिन्यू करो यार, पहले पूरी बात सुन लेगी पहले, फिर मैं दो चार बात बोलूँ, आंटी है सुन ले पूरी बात, सुन पहले पहले पूरी बात सुन, अरे चुप रहना दो मिनट, पूरी बात तो सुन ले, बोले जा रही है मुझे भी तो बोलने देना। एक बात बता, काटना सीखने लग गया ना मैं सारा लोग लड़की किसे बता, अगर तू अभी बल्लिया उनमें से कोई होता है लड़का फिर बताता है बात काटने किसे कहते हैं। सुन मेरी बात पहले भाई, आंटी एक बात बताओ, मैंने इसे बोला कि चांदनी चौक चल ले, वहाँ पे ना सस्ता मिल जाएगा थोड़ा, तो इसने डायरेक्टली मतलब पैसों के लिए बोला, मैंने उसके पैसे बचने, इसने बोला आई कांट बिलीव इन सच थिंग्स ये होती है, मैंने पर ये तो यार कोई बात ही नहीं हुई। इलिटरेट आपने वर्ड यूज किया था कि आप कितनी इलिटरेट बन गई हो, जस्ट बिकॉज मैंने बोला कि मेरे को चांदनी चौक से नहीं लेना, तो तेरे को नॉलेज है वहाँ पे, तू H&M से कपड़े क्यों लेता है, क्यों लेता है, बहुत सारी जगह से मिलते, सोई नगर में कहते नहीं मिलता, वहाँ से ज़ारा से क्यों लेती है, तो सरोजनी से ले ले कपड़े, क्योंकि मेरे को नहीं मिल रहा अच्छे, तो मैं तो मेरे को भी नहीं मिल रहे अच्छे, मेरे को एक बात बता, अगर मैं महंगे पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मेरे को ब्रांड मिल रहा है वो चीज, ठीक है, वो चीज सस्ते में नहीं मिल सकती है, और वो चीज अगर सुन 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 अरे सुन, अगर वो चीज सस्ते मिल रही है ना, अरे सुन सुन सुन, अगर वही सेम क्वालिटी मेरे को सस्ते मिल रही है ना, तो मैं सस्ते वाले ग्रैब करूंगा, ठीक है, मैं ये नहीं। मैं तो भाई हम लोग निकल चुके हैं, एंड प्लीज इग्नोर माय, क्यों इग्नोर करें, क्यों दिखा रही है फिर तू, अरे मतलब मैंने अभी से पिन लगा रखी है, मैं रस्ते में ही कर लूंगी कॉल वगैरह, करा ही नहीं जाएगा और क्या, तो फिर भी बोल ही दिया तो इग्नोर कैसे करा जाएगा, जान के लड़कियों के ड्रामे होते हैं, ये पता चाहती है देखिए हमें कोई चाहते हैं कि, अरे ऐसे मत देखो ना, अटेंशन होनी चाहिए लेकिन बोलेगी इग्नोर करना, हम जैसे सिग्मा बंदे हैं जो ऐसे को साइड कर देते हैं ऐसी चीजों को, साउथ सिग्मा हो गया भाई आज तो, ओ माय गॉड, साउथ रो कितनी लड़कियों ने साइड करोगे तो ये पता है, हैं नहीं मैं जाते नहीं किसी के पास जो साइड करेगी मेरे पास, मेरे को तो लड़कियां तेरे पास आ रही है, अरे पर्दा लगा ले उधर, यार ऐसे बंदों को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस ना, बहुत अच्छी बात होती है ओवर कॉन्फिडेंस ना, बहुत डिफरेंस होती है। चलो भैया साउथ सिग्मा है, साउथ खुश है इस बात में कि वो सिग्मा है, पता नहीं किस बात का सिग्मा बन के बैठे बैठे, जो भी है। तो अभी हम लोग निकल रखे हैं और लेट हो गए बहुत ज्यादा, एक इशू ये है कि ना आज इस बार साहू कैमरा लाना लाया नहीं है, क्योंकि होली के उससे आया था, तो अभी हम जा रहे हैं स्टार का, हमने बहुत वेट किया स्टार, अभी हम जा रहे हैं स्टार भरोसे, हाँ स्टार बॉय के भरोसे, और उस बंदे ने हमें इतना वेट करवाया है ना, इतना ज्यादा पूछो मत, तू बता भी नहीं और कह रही पूछो मत, उधर से अपने आपको दिखा रहे हो कि बाकी हम दोनों भी हैं पीछे, देख लो भाई आउटफिट चेक कर लो, बल्ले के बाद लाइट वाइट लेके चल रहा है जालीदार, फुल वीडियो बनाने वाला है कर्मा वाली, क्योंकि धोखा हो चुका है भाई के साथ, पता होगा आपको सबको पता ही लग गया है, बल्ली बहुत ज्यादा सदमे में है कुछ दिनों से, कैप के नीचे बहुत बड़ा राज है ये देखो। लोग लोधी गार्डन में पहुंच गए, बट स्टार को अभी भी करीबन आधा घंटा लगेगा ही लगेगा, और अब लाइट पक्का चली जाएगी, अब लाइट बचेगी नहीं, और मैंने साड़ी जो कैरी कर रखी ना, साड़ी को पहन के चलना मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है यार, मेरे को पता है कि मैं कितनी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, और मैं देखो ये साड़ी तो थोड़ी सीक्वेंस है, मेरे हाथ लोग डेली पहनती है अच्छी, उनका वो होता है वो आदत हो जाती है, मैंने कभी डेली पहना नहीं, मैं भी अगर डेली पहनूंगी तो आदत पड़ जाएगी, डालो भाई आप अपनी उसको आदत डलवाइए, मेरे को मत डलवाइए, हाँ तो तू यहाँ क्यों खड़ा, उसके पास जाके खड़ा होगा जबरदस्ती, तू गाँव में जाके खड़ा हो जिसके रिश्ते आते हैं, इसको मेरी मर्जी कहीं खड़ा होगा, मेरे साथ में खड़ा रहे, साहु कह रहा है कि बल्ले को देख के ऐसा लग रहा है कि इसे शाम तक 50,000 का लोन अमाउंट भरना है अर्जेंसी में, वरना पेनल्टी लग जाएगी, घर से आके मारेंगे और उठा के और ले जाएंगे, कैंसल ले रहा है भाई, बिजु है फोन खाली से, फोन उठाई जागा, ओए उठा ले ना, क्या उठा दिया, ले बात करो, हेलो कहां पहुंच गए, रोडी आ रहे हैं, रोडी में खा रहे हैं, ठीक है ठीक है, तुम लोग कहां,
अरे मैं बोल रहा हूँ एक बार अपने लाइव लोकेशन भेजो, हमें 10 मिनट दिखा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है आना कहाँ है। ठीक है, इन लोगों ने आज बहुत ज़्यादा लेट कर दिया आने में, हमें आए हुए यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट हो चुके हैं, है ना। इन्होंने खाना वाना भी मतलब खा लिया अपना ऑलमोस्ट और सब हो गया, पर ये दोनों नहीं आए। लाइव लोकेशन भेजी जरा मैं। सुनो लग रही है। देखो देख लो सर कितना हरामी बंदा है। मैं इसको बोला रास्ते में भी कि भाई शर्ट इसने अंदर टकिंग कर रखी थी, मैंने कहा कर दे। बल्ली बोला था मैंने क्या पहना हुआ है, ये अच्छा लग रहा है, पहले बेकार लग रहा है। तो अब ईशा ने बोला ना बाहर कर, मैं जब से बोल रही नहीं, ईशा ने एक बार कहा और इसी बारे में बात बताती हूँ। क्या है ये? अरे सुनो, मैंने कल वो छोड़ नहीं आई थी, स्नैप पिक स्टोरी डाली थी, ईशा का ऐसे हाथ आ रहा था, रिंग थी मैं ना गैस, लोगों के कमेंट आया है ईशा ईशा, उसमें एक कमेंट आया है विशु की फेवरेट गर्ल। मैं स्क्रीनशॉट ले रखा है, देख रहे हो भाई। इसको फेवरेट गर्ल इसलिए है क्योंकि ये इसके फैमिली के सामने भी तारीफ करता रहता है, इसके घर वालों के सामने, और मुझे तो बोलते ही रहता है भाई लड़की बहुत अच्छी है, भाई बहुत अच्छी है। अच्छी है तो है, इसमें बुरी बात क्या है। ओए वीडियो बना ले, लड़का अच्छा नहीं है। चलो भाई अंधेरा हो जाए, क्या हो रही है, साड़ी फोल्ड है, खुद ही मदद करवाई है इसने, रोड पे गिरा रही है साड़ी, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे, ऐसी साड़ी रोड पे बांध रही हूं, तय कर रही हूं, अच्छा लग रहा है। मैं साड़ी ना खराब हो गई, क्या करना है आपको। लोधी रोड में आए हैं साड़ियाँ काम करने, बस ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते करते जिंदगी काट लेंगे दोनों एक साथ। विशाल भाई शादी कर रहे हैं, छूट गया भैया इसकी, अभी शादी की बात चल रही है, थोड़ी थोड़ी है अभी चल रही है, बाकी अभी मैं जिंदा हूँ, चला रहे हैं डांस करो। तू जिंदा है तो उसमें मेरी शादी का क्या लेना देना, नाचूंगी अभी। दो दिन से कन्हैया नगर वाले परेशान है, बल्ली कहाँ गायब है, आज रेड कारपेट पे वेलकम है इसका, अभी जाते ही 10 बजे जाते ही वेलकम है। ऐसी वीडियो डाल देगा, एक कुंटल तेल लेके खड़े हैं, इसकी स्कूटी में डाल देंगे। गायब है, पैर धोने के लिए भी तो रख रखा है ना गुलाब जल। इतना अरे कहाँ जा रहे हो, अरे टोपी खाने ना पहले, वॉशरूम जाना था मेरे को, वॉशरूम उधर भी है चाय। अरे उधर चलो ना मोमोज खाने भैया के पास, ईशा को वहाँ के पसंद है ना, पर अरे इसको वहाँ के पसंद है, वहाँ वाले खा लेते हैं, मैं चाय भी पी लूंगा। सुबह सब चाय मिलती रहती है, बस ये समझ नहीं रहा, ये ज्यादा बदतमीज हो गया बल्ली। चौमिन पे चौमिन मंगा रही छपरी लड़की, छपरी है भाई, क्या बात हो गई। पहली बार टेस्ट करी स्टार की, शाम की चौमिन। आज हम लोग रुक रहे हैं स्टार बॉय के घर पे, पर स्टार बॉय घर पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है भाई, कैसे रुके। मैं बंदों को भगा दूंगा। तू एक बंदे को भगाएगा, उसमें मैं और परी कैसे एडजस्ट हो जाएंगे, फिर हमारे साथ साहू और बल्ली भी तो आएंगे। मैं एक रूम में, तुम लोग सो जाना एक रूम में, हम लोग देख ले क्या कह रहा है। अगर ये मना, इसने पहले ही बोल दिया बंदे बुला लिए इसने, हम क्या करें। हाँ भाई मैं मना कर दूंगा उसको, और क्या भैया तुम बता रहे हैं, आज तो सच में आ रहे थे भाई। तुम लोग दो बार बोल चुके स्टे के लिए, मेरे को तुम लोग तीन लड़कियां एक रूम में, हम चारों लड़के एक रूम में, सबको पर्सनल रूम चाहिए। मैं तो भाई बालकनी में सोऊंगा, देख देखो वो बेड को छोड़ दूंगा, मैं सोऊंगी एक बेड पे और कोई लड़का तुम सोएगी। अरे तू की सोएगी, जब उसको स्टार वगैरह सो रहा है तू की सोएगी। अभी अभी इतनी देर से क्या बोल रही थी, स्टारे देख ले, अभी पागल है, तब से बोल रही थी मैं अकेले सोऊंगी, तेरी बीवी बेकार हो गई है भैया। ईश्वर मैं तुम्हारे बेड पे सो जाएंगे, वो रूम बंद हो जाएगा, हमारा लड़का आ ही नहीं सकता ना फिर। अरे कोई नहीं, हम नीचे बिछा लेंगे यार जमीन में। हाँ मेरे को तो कोई दिक्कत, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ बालकनी में सोऊंगा। दो बार बोला था चौमिन पे, चौमिन मंगाया जा रही है, ये लड़की मेरा नहीं है, उसी का ही है, मेरा खुद की चौमिन है भाई ये। क्या दोनों रात को बात करते हैं, कौन जैसे विशाल? अब भैया ये आखिरी घूट बची हुई थी, पहले विशाल ने मेरे से पानी मांगा, मैं तब पानी पी रही थी, कहता परी पानी दियो, मैंने पानी पिया, फिर एकदम से ईशा ने कहा आई नीड वाटर, मैंने विशाल से पूछा तेरे स्टार एक बात बोलूं, अब तुम्हारे सबर का बांध टूट रहा है, अब क्या करोगे तुम, फेविक्विक का जोड़ काम आएगा, कैसे जोड़ोगे। तो भैया पियो तो मैं पता है ऐसी में एक स्टोरी भी मतलब है कि मजाक मजाक में सच में हो जाएगा, ये सीरियस हो जाता है बात। हाँ मजाक नहीं करे, सीरियस बात है, हमें नहीं पता ना सीरियस है, हमारे सामने हमें मजाक लग रहा है, ये सीरियस ना, हम तो तुम्हें खुला बोल रहे हैं सीरियस है, हम रातों में बातें करते हैं, ऐसे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है।
क्या बोला मैंने, पूरी बात सुनी? अरे बात करना स्टार्ट। नहीं क्या 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 करना? इन्वेस्टी करना। क्या बोला इसने मोनू? इन्वेस्टिगेशन भाई। तुम बताओ मोनू क्या बोला? करना पड़ेगा इनके ऊपर खोज बिल कान लगा के चलूंगा वॉशरूम के बाहर। कान लगा के अपने घर में बात करती हूँ तो वो कैसे कैमरा लगा दूंगी? सारे घर वाले जाते बारी बारी, शर्म आ रही है? तेरे फोन में कुछ कर दूंगा। फोन से बात कर लूंगी। ये लोग ना पागल है कुछ नहीं, इनको लग रहा है ज्यादा सीरियस हो गया। ये फोन देने तक की बातें कर रहा है, दूसरे फोन दे दूंगा भैया। जो जिसमें खुश है ना उसमें खुश रहो। कभी कभी ना सेकंड लव ज्यादा अच्छा होता है। नहीं उसका सेकंड ही हूँ मैं। अच्छा सॉरी, थर्ड भी अच्छा होता है? नहीं थर्ड नहीं हो सकता। नहीं होता यार। नहीं ईसा तो अच्छी है, ईसा लड़की अच्छी है, बट ये मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं कर सकती। वो चल रहा है हमारे बस, वैसे क्या नहीं कर सकता। अब हो गया, अब चलवाऊं तेरा। अच्छा एक लॉजिक, एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछूं तुमसे, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है एक्स वाई जेड, तुम्हें कभी उसके फ्रेंड पसंद आया है तो तुम क्या करोगे? जन मैं विशाल का एक नॉर्मली क्वेश्चन नॉर्मली पूछूंगी, तुम्हारे नॉर्मली एक्स वाई जेड बॉयफ्रेंड है या पास्ट कुछ है, तुम्हें उसके दोस्त से धीरे धीरे अट्रैक्शन होने लगे, तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये है जिसमें एक्चुअल हो सकता है, तो तुम्हारा क्या मतलब स्टेप क्या होगा? तुम्हारा नाम भी लिया मैंने जनवन, जैसे हो जाता है जैसे मान लो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के फ्रेंड से अटैचमेंट होने लग गए, तो तुम्हारा स्टेप क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। तुम इग्नोर करोगी फीलिंग्स को? इग्नोर। तुम्हारा तो नाम ही नहीं आया यार, तुम थोड़ी हो बॉयफ्रेंड उसके, इसकी बात कर रही हूँ मैं। अरे एक जनरल में क्वेश्चन, इन जनरल में उसका बॉयफ्रेंड हुई समझ जाओ, समझ गए? चलो भैया ठीक है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? देखो मुझे बहुत पसंद आते हैं लड़के, पर छोड़ देती हूँ। लड़के पसंद आते हैं? हाँ छोड़ देती है। भाई ऐसा है तो भैया चले जाओ, अगर एहसान मिल जाए। पसंद आ गया? क्या डन है? मुझे बहुत सारे लड़के पसंद आते हैं। तू भी तो बता ना, तुझे लड़के पसंद है? चल भाई चल। सब बोला हैप्पी होली बोल रहा था किसी लड़की को? क्या बोला था? आई लव यू, हैप्पी होली। अरे हैप्पी होली तो बोला है, अननोन लड़की थी, स्कूटी पकड़ी थी, हम थार लेके जा रहे थे तब। अब जब उसने अगर रंग लगा के हैप्पी होली बोला तो मैं मानूं? मुंह से बोलता नॉर्मली, तो वो हैप्पी होली आप अच्छे लग रहे हो, ये तो उसका दिन बना दिया, खुश हो गई होगी वो। बुरी बात थोड़ी है, मोहल्ला थोड़ा सा सीरियस हो गया है। क्या हुआ? पहले से स्टार बॉय ना थोड़ा स्टार बॉय कह रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है अब, मैं हंस रहा हूँ। हंस दे चेहरे से मत, क्या था हंस दे चेहरे से मतलब ऐ नहीं हुंदा कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं है। स्पीचलेस कुछ हुआ है? आई डोंट नो, मैं तो वॉशरूम गई, स्टार ने आते ही बोला कि तुमने बहुत सारा कुछ मिस कर दिया। परी का रिएक्शन देखना आप इस क्लिप पे। परी आ जा। मैं इस पे ही रखता हूँ, रुक जा एक सेकंड। हाँ, वो फोन ही बंद हो गया। कितनी मनुष्य किस्मत है तेरी। कोई बात नहीं, हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे थे अभी दोनों ऐसे। अच्छा एक मिनट, ईशा इधर आना, ईशा क्या हुआ? ओए ऐसे हो रहा है, उसको जलन नहीं हो रही? ऐसे चुपकी पड़ी थी, ऐसे बोला। मैंने अभी स्टार को क्या सजा दी? उम्मीद नहीं थी इसके साथ ये बोल रही है, अपना गाड़ी मेरे नाम कर दे और ब्रेकअप कर दे, अपनी जायदाद इसके नाम कर दे, फिर ये मेरे साथ रह लेगी वहीं पे, उसे बेच के नया लेंगे ना फिर हम। गाड़ी तो है, तुम्हें पसंद है? भाई, गाड़ी तो सही है ना, तुम्हें वरना पसंद है, वरना इसके पास है। हम थार बेच के फॉर्च्यूनर ले लेंगे, थार और वरना दोनों बेच के फॉर्च्यूनर ले लेंगे ना। और क्या स्टार है तुम्हें बता दूं? देखो यार मैं खुद कमा लूंगा, चली जा तू, नहीं लग दोबारा कमा लूंगा, और उसमें डेली तेल भी डलवाइयो आगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं रोकी, वैसे फटी फटी है। चल चल चल, परी चल।
क्या चल रहा है, ये परी को लेके जा रहा है दुनिया में, चल क्या रहा है देख ले। थोड़ी देर में मोनू दोनों को ले जाएगा, हम सारे ऐसे खड़े रह जाएंगे। साउ इसमें घुस जा, खुलेगा ही नहीं, घुस जा, घुस जा, खुल गया ना ना ना। अरे चप्पल गायब कर दू इसका, हमारे डिग्गी में डाल दे, हमारे डिग्गी में डाल चार का देख रहा मोनू गैंगस्टर देख रहा है क्या? रख दे रख दे रख दे रख दे यार रख दे, देख लिया उसने रख दे रख दे वापस रख रहे, सॉरी सॉरी बताना मत भाई स्टार को। अबे देखो नहीं से रहा था मेरा झुक के पता ही नहीं चला, मगर बेल्ट को मेरी बेल्ट उसमें फेंक दी अंडे ने सारे कपड़े फेंक दिए। हां तो बेल्ट थी यार उसमें, तुम्हारी गलती है कि तुमने बेल्ट छोड़ दी होली कपड़ों में। नहीं सच में फेंक दी मम्मी ने होली कपड़े, अभी नहीं फेंके, अभी नहीं फेंके तो पड़े होंगे, ढूंढ लो वहां जाके ऊपर बेल्ट। अबे बेल्ट लेके आते हूं सर। तो भाई बल्ली कह रहा है मैं सारे कपड़े ले जाऊंगा होली के और एक बार करवा लूंगा साफ और बेच दूंगा, तकिया मैं भर दूंगा। और मैं बोल रहा हूँ परी के कपड़ों क्या करेगा, कह रहा है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना एक दो फालतू डाई करवा लूंगा, 50 रुपए की डाई होगी दे दूंगा, उन्हें गिफ्ट कर दूंगा कुछ वो भी है। और फटी हुई दिखे गई छेद दिखे गई टी शर्ट में, फटी हुई थी भी नहीं, नहीं है इसको भी, अभी शूट करके आया फिर स्टार वाले घर आ गया। आई थिंक ये स्टार तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है, नहीं जो बाहर बैठी है अब तुम खुद देखो स्टार गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ो, दरवाजा नहीं कुछ और तोड़ना है, रिश्ता तोड़ दे। देख लो ईशा क्या कह रहा है पति तुम्हारा, ईशा बिजी है चुगली करने में, इधर आओ इधर आओ। ईशा कह रहा है कि मैं तुम दोनों का रिश्ता तोड़वाने आया हूँ, मतलब मैं तुम्हें सेट कर लूंगा ऐसा कह रहा है। अरे जल्दी करो भाई। अरे यार ये देख ला, अब तो देखो मेरा कोई रोल नहीं, मैं बोल रहा था रिश्ता तोड़वाने आया, ये वो मुझसे मिलने आया था इशारों इशारों में, समझा इशारों को कितने बजे बात करनी है बता दिया था मैं उसको। चुप रहे भाई मत बोल, आज मैंने बता दिया बात नहीं कर पाऊंगा। अबे कभी कभी ना लक्ष्मी बैठी होती है, आज मेरी और ईशा की बात नहीं हो पाएगी, स्टार बॉय ने से यहाँ रोक लिया ना। अरे तो पागल है, ये तो घर जा रही है, नींद की गोली खिला दे, अरे ड्रेस लेने जा रही हो तो। अच्छा भाई जानबूझ के आजकल बोलती है जल्दी सो जाया करो तुम, कॉल पे भी बात नहीं करती, ये इन लोगों की फालतू बातें है। अभी से अभी सही रिश्ता तोड़वाने का, इसने कलर करवा लिया तो कह रहा है तो उसका कलर को भी नोटिस नहीं कर रहा, तो कभी नोटिस नहीं कर रहा तुमने। स्टार स्टार स्ट्रांग रहो, ऐसे लोगों की बात सुनो जरूर, तारीफ कर देता हूँ डायरेक्ट खुद बोल रही। क्या बोली थी मीशू चेंज कर लो, भाभी चेंज कर जैसे यार तब भी तो भाभी बनोगी। क्या टाइटल नाम नाम क्या दिया था? ईशु ईशु यार ये स्टार की सगी सिस्टर है स्वाति, कुछ और ही बोल दिया और जलाएंगे। आप ना अगर आपको लगता है कि ये सही है लग रहे हैं तो कमेंट में भर दो विशु इशु विशु इशु हैशटैग विशु इशु। अच्छा चलो एक और रखते हैं, एक और रखते हैं कमेंट में, अगर आपको स्टार और ईशा की जोड़ी पसंद तुम्हारा हैशटैग क्या है? स्टार ईशा करना, हैशटैग स्टार ईशा करना। और अगर आप चाहते हो कि इनकी सही लगती ये लोग तो साथ में ईशा करते हैं तो फिर हैशटैग ईशु विशु करना, ईशु विशु विशु स्टार परी। यार नहीं यार स्टार स्टार में ना बहुत सच्चे इंसान है, हम ना सोचते नहीं आपस में ऐसे, वरना स्टार से मैं भी बात कर लूँ रात रात बैठ के। नहीं बस स्टार और मैं हम ना अच्छे हैं, हम नहीं करते ऐसे काम। तुम क्या करोगे बात है? अब देखो भाई माँ मेरा कोई रोल नहीं है बातों में, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ। चलो ठीक है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है हैशटैग देखना, स्टार ईशा या ईशु विशु, ईशु विशु मैं लिख के भी दूंगी ठीक है, आपको बता रहा क्या करना है। बाय गाइस, लव यू।